हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपनी रसोई। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गेहूं के आटे का लच्छा पराठा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। गेहूं के आटे का है तो हेल्दी भी है और झटपट से आप इसे 10 से 15 मिनट में ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या फिर शाम की चाय के साथ भी खाने के लिए बना सकते हैं। 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया, उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, साथ ही 1 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे। घी से ये लच्छा पराठा काफ़ी खस्ता बनता है, काफ़ी टेस्टी बनता है। तो हम आटे में पहले घी और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। तो हमें आटे को मतलब जैसे पूरी का आटा होता है ना, वैसे गूंदना है। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूंदना है और ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंदना है। आप चाहे तो आटे में मैदा भी मिक्स करके बना सकते हैं या फिर सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं। जैसे लच्छा पराठा तो मार्केट में खाएंगे तो वो सिर्फ मैदा से ही होता है। हेल्दी खाना चाहते हो तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो आटा गूंद गया, जिसे हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, साथ ही कुछ तैयारियाँ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने धनिया पत्ती, साथ ही 5-6 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 1 हरी मिर्च ली है। तो इन सबको हम एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने काट लिया है। साथ ही हम कुछ मसाले लेंगे। तो मसालों में हमने लिया है अजवाइन, गरम मसाला पाउडर, चिली फ्लेक्स लिया है। आप और भी मसाला ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे तैयारियाँ हो गई हैं, तो चलिए लच्छा पराठा बना लेते हैं। जैसे नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं ना, उसका लोई के मतलब थोड़ा सा बड़ा लेंगे, क्योंकि ये जो लच्छा पराठा थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा मोटा होता है जो नॉर्मल रोटी होती है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हम इसे बेल लेंगे पहले नॉर्मल रोटी की जैसा, उसके बाद इसे थोड़ा सा यहाँ पे घी लगा लेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं, पर घी में बनाइएगा तो ये लच्छा पराठा काफ़ी खस्ता, काफ़ी टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे घी हमने लगा दी है और साथ ही जो मसाले लिए हैं वो डाल देंगे, गरम मसाला पाउडर, अजवाइन, चिली फ्लेक्स। तो आप ना कुछ और भी मसाले ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप पाव भाजी मसाला डाल सकते हो, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर थोड़े थोड़े से डाल सकते हो, या फिर आप इसमें सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। तो आप मतलब कुछ मसालों को अलग करके आप अलग अलग टेस्ट के लच्छा पराठा बना सकते हो। और लहसुन वाले ये पराठे ना बड़ा टेस्टी लगते हैं। अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन वाले लच्छा पराठा बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं। और ये देखिए इन्हें किस तरीके से हमने कट करना, किस तरीके से लच्छे आएंगे इसमें। तो ऊपर नीचे से थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे, उसके बाद इसे चाकू से इस तरीके से हमें कट कर लेना है। वैसे लच्छा पराठा को 4-5 तरीके से फोल्ड करके बनाया जाता है, सबसे इजी वाला तरीका है। बस आपको बीच से कट करना है, ऊपर नीचे छोड़ के बीच से पूरा इसे कट कर लेना है और इस तरीके से इसे फोल्ड करना है कि जो हमने रोटी पे मसाले डाले हैं वो सारे अंदर चले जाएंगे। देखिए तो बिल्कुल भी मसाले निकलेंगे नहीं इस पराठे से। तो इस तरीके से हमने पहले फोल्ड कर देना है, उसके बाद इसे ऐसे फोल्ड करेंगे तो सारे मसाले अंदर की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पे हम इसे इस तरीके से पैक कर देंगे, ऊपर से थोड़े से और मसाले डाल देंगे तो देखने में भी अच्छे लगते हैं और टेस्टी आते हैं। तो ऊपर से भी थोड़ा सा धनिया पत्ती, लहसुन और चिली फ्लेक्स हम डाल देंगे, तो ये ना ऊपर से जब दिखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा हमने चिपका दिया है और अब इसे हम हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे, ताकि जो इसमें मतलब लेयर्स है ना वो ज़्यादा दबे नहीं। तो बहुत ही हल्के हाथों से हमने इसे अच्छे से बेल लेना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे और एकदम से पतला भी नहीं करना है, मतलब नॉर्मल रोटी से हम थोड़ा मोटा रखेंगे इसे। तो ये लच्छा पराठा देखिए इस तरीके से हमने बेल के तैयार कर लेना है और अलग अलग चीज़ें डाल के अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर पहले भी बहुत तरीके का लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर की है, आपने नहीं देखा है तो सर्च करके देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो आप देख सकें। अगर आपके घर मेहमान आने वाले हैं तो आपने पहले से भी इस तरीके से तैयारियां करके रख सकते हैं, मतलब इस तरीके से लच्छे पराठे को बना के मसाले वगैरह डाल के उसे फोल्ड करके रख लें और जब खाना हो तो फटाफट से आप उसे बेल के मतलब सेक लें, तो आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से हम लच्छा पराठा को बना लेंगे। और चलिए अब इन्हें हम सेक लेते हैं, तवा चढ़ा रखा है हमने। तो गर्मी के दिनों में ना ज़्यादा टाइम किचन में रहने का मन नहीं होता है, कुछ ऐसी रेसिपी बनाने का मन होता है जो कि झटपट से बन जाए, सबको अच्छा भी लगे। तो ये लच्छा पराठा उसी तरीके का है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। वैसे तो लच्छा पराठा को आप पनीर की सब्ज़ी, छोला वगैरह किसी के साथ भी खाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पर अगर आप चाहते हैं कि कम टाइम में खाएं तो इसमें नमक मसाले वगैरह सब कुछ है, तो सिर्फ आप दही और अचार के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। शाम की चाय के साथ भी इस लच्छा पराठा को खाया जा सकता है, बहुत ही यम्मी लगता है। तो इसे सेक लेते हैं हम।
तवे पे डाल देंगे एक साइड से, जब ये सिक जाएगा तो इसे पलट देंगे और थोड़ा सा घी लगा के सिकने। तो मतलब इस लच्छा पराठा को बनाने में हमने 3 बार घी का यूज किया है, आटे में भी डाला है, फोल्ड करते समय भी घी डाला है और यहाँ पे भी मतलब थोड़ा थोड़ा करके। तो ये काफ़ी मतलब खस्ता बनता है। आप चाहें तो घी की जगह रिफाइंड भी यूज कर सकते हो, पर रिफाइंड में वो टेस्ट नहीं आएगा जितना कि आप घी से इस लच्छा पराठा को बनाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा गेहूं के आटे का लच्छा पराठा बन के तैयार। ये देखिए आपको कितने सारे लेयर्स दिख रहे होंगे, इसमें बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में ऐसी एक इजी रेसिपी के साथ। तो के लिए बाय बाय।